नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एरर आ रहा है इसमें सीपीयू में, तो हम लोग इसको फिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, आपको भी ले जाता हूँ पास में कैमरा, तो देख पा रहे हैं बहुत ही जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सीपीयू का जो एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में फिर दोस्तों हमें नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एडवांस पर, फिर हमें यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सीधा खुल गया बायोस की सेटिंग। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे बायोस की सेटिंग आ गई है। अब जो हम लोग यहाँ पे जाएंगे सीधा बूट मेन्यू में जाएंगे, देखिए बूट यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बूट में जाना है दोस्तों। यहाँ पे बूट में जाने के बाद में ये देखिए यहाँ पर फंक्शन से खुल जाएंगे बिल्कुल ही। आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है, फिर ये देखिए आपको नीचे जाना है, यहाँ नीचे आपको इससे नीचे जाने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे देखिए UEF है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ऑन कर देना इसको। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लेजेसी है, तो यहाँ पे आपको फिर से UEF पे ला के जो है ठीक है मैं क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ भी यही करना है, सेम कर देना प्रोसेस, और आपको फिर से यहाँ पर कर देना। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कर देना फंक्शन सारा सेलेक्ट करके, उसके बाद हम लोग जो है इसको यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेव करेंगे, सेव एंड चेंज, और फिर अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देंगे। हमारा पीसी रिस्टार्ट होने के बाद में एरर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों दोबारा से, तो अभी ये जो है अभी एरर यहाँ पे दिखा ही रहा है। तो अब जो है हम लोग अपने सीपीयू पे यहाँ पे खोलेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने अपने सीपीयू को खोल दिया है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सीपीयू को खोल के, और ये देखिए आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क का कनेक्शन है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे इसको। ये देखिए ये दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसका हार्ड डिस्क का कनेक्शन, और आपको यहाँ पे पावर का भी निकाल लेना है। तो आपको यहाँ पर निकालने के बाद में कनेक्शन को फिर आपको यहाँ पर दोबारा से इसमें लगा देना है। आप इसमें देख पा रहे हैं मैं इसमें लगा रहे हैं उसका कनेक्शन, ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, और आपको यहाँ से भी निकाल लेना है। बोर्ड के अंदर से निकालने के बाद में फिर आपको यहाँ लगा देना है, और फिर जो है हम अपने सीपीयू को स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने अपने सीपीयू को स्टार्ट कर दिया है। जो अपने सीपीयू को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ लाइट आ गया सीपीयू में। फिर अपने सेटिंग्स को देखते हैं, तो आप जो है इसमें देख पा रहे हैं कि बायोस यहाँ पे खुल गया हमारा, और ये देखिए विंडो चल गई। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी एरर आए, तो अपने एरर को ऐसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए विंडो हमारी चल रही है कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे पीसी का, और विंडो यहाँ पे चल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। ये देखिए हमारी वीडियो ऑन हो गई।